हेलो फ्रेंड्स, आज FCS यानी फूड क्रेविंग्स पर शगुन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डोरा केक्स की रेसिपी, जो बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद से खाते हैं। तो बताइए, है ना आपको भी ये पसंद? और इसकी खास बात यह है कि ये बहुत ही जल्दी और कम सामान के साथ बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है यहाँ पे 1/2 कप चीनी। अच्छा, अगर आपके पास ये मेजरिंग कप्स ना हो तो आप कोई भी किचन की कटोरी ले लीजिए और सारे मेजरमेंट उसी से कीजिएगा। तो यहाँ मैंने जो चीनी ली है 1/2 कप, उसको हमें फाइन उसका पाउडर बनाना है, तो उसके लिए इसको ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, इसको एकदम ग्राइंड करते ही हमें जार को नहीं खोलना है, नहीं तो जो शुगर का पाउडर है वो सारे में उड़ने लग जाएगा। एक बार वो थोड़ा सा सेटल हो जाए उसके बाद में इसे खोलेंगे। और ये देखिए, बिल्कुल फाइन यहाँ पे पाउडर तैयार हो गया है। तो अब इसको हम डालेंगे एक सीव में और इसको छानना है हमें। छानना यहाँ पे इसलिए है जिससे कि इसमें अगर कुछ भी चीनी थोड़ी बहुत रह गई हो पिसने से तो वो अलग हो जाए। अब इसी के साथ में मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 कप मैदा। अब यहाँ पे आप जो इंग्रेडिएंट्स का रेशो है वो ध्यान रखिएगा। जितनी आपने मैदा ली है उससे 1/2 हम लेंगे शुगर पाउडर, और इन दोनों ही चीज़ों को हम छान लेंगे। वैसे यहाँ पे चीज़ें और भी डलेंगी, लेकिन क्योंकि मेरी ये जो छन्नी है थोड़ी छोटी लग रही है मुझे, इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल इनको ही छाना है। तो ये देखिए, यहाँ पे पूरा मैंने मैदा और चीनी का पाउडर जो है छान लिया। ये जो थोड़ा सा पोर्शन ये रह गया है गांठे से, इसको मैं अलग फेंक दूंगी। अभी देखिए, हमारा ये चीनी और मैदा का मिक्सचर तो हमें मिल गया है। अब इसमें मिलाते हैं अपनी आगे की चीज़ें। तो इसके लिए आगे फिर से मैंने छन्नी रखी, क्योंकि हमें आगे भी जो इन्ग्रीडियंट्स डालने हैं वो छान के डालने हैं। अब यहाँ मैंने लिया है 1/4 कप मिल्क पाउडर, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिया है नमक, जो इसके फ्लेवर्स को इन्हांस करेगा। और अब इन दोनों चीज़ों को मैं छान रही हूँ। मिल्क पाउडर यहाँ हमारे जो पैनकेक्स बनने वाले हैं, जिनसे हम डोरा केक्स बनाएंगे, उसको एक बहुत ही स्मूथ सा और एक मिल्की सा फ्लेवर देगा, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। ये सिर्फ मैदा मैदा फील नहीं होगा। तो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ यहाँ पे, और फिर डालेंगे इसमें आगे की चीज़ें। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ इसका राइजिंग एजेंट, यानी कि मैंने लिया है यहाँ पे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा ना हो, बेकिंग पाउडर हो, तो आप यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालिएगा। ये हमारे जो केक्स हैं उसको फ्लफ़ी बनाने में हेल्प करेगा। अच्छा, कोई सा भी अगर आप केक बनाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि हमेशा जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसको आप छान के लें, जिससे अगर उनमें कोई भी गुठलियाँ हैं या कहीं पर वो चिपका हुआ है तो वो आगे हमारे केक बनने में दिक्कत ना आए। तो चलिए हम इसका बैटर बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने 1 कप दूध लिया है। ये जो दूध है ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे दूध है, उबला हुआ दूध है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ गया था। अब इससे थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते जाएंगे और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना के तैयार करेंगे। दूध कितना हमें लगेगा वो हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है, जिससे ये जो बैटर है बहुत ज़्यादा रनी ना हो जाए। तो चलिए, अब अपने बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बैटर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा दिखाई दे रहा है, तो इसमें थोड़ा सा दूध मैं और डाल रही हूँ। और लगभग आप देखेंगे 1 कप दूध में से 1 से 2 चम्मच दूध यहाँ पे बचा हुआ होगा। तो इसको मिक्स करेंगे, लेकिन उसके साथ मैं यहाँ पे एक और चीज़ डालूंगी, वो है यहाँ पे शहद। जी हाँ, शहद यहाँ पे हमारे जो पैनकेक्स हैं उसको बहुत ही अच्छा टेस्ट भी देगा, और साथ ही साथ उसको एक बहुत अच्छा कलर भी देगा। तो यहाँ हमें हनी डालना है 1 टेबल स्पून। इसको आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो इसको डाल लिया है। तो अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इसका फ्लेवरिंग एजेंट, जो कि है यहाँ पे वनीला एसेंस। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस लिया है, और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस रेसिपी की खास बात यह है कि ना तो इसमें आपको एग्स की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा कोई बेकिंग के आपको मोल्ड्स की ज़रूरत है, ना ओवन की ज़रूरत है। तो ये बिल्कुल घर के हमारे सामान से बनके बिल्कुल तैयार हो जाता है, और जिसने कभी भी कोई केक ना भी बनाया हो तो भी ये फर्स्ट टाइम में बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो चलिए, इसकी अब ये देखिए कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल रिबन लाइक कंसिस्टेंसी है, और ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो यानी कि इस स्टेज पे आते आते हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। मैं आपको एक बार और दिखाती हूँ इधर से। ये देखिए, आप चेक कर पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी में फॉल हो रहा है। तो चलिए, अब इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है एक नॉनस्टिक पैन, और अब इस पैन में डालना है हमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल चलेगा, बस कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल का ना हो, यानी कि कोई भी आप रिफाइंड ऑयल यहाँ पे ले सकते हैं। और इसको हमें कोई भी टिश्यू पेपर से या कॉटन की हेल्प से पूरे पैन में स्प्रेड कर देना है, या फिर यूँ कहें कि उसे पोंछ देना है एक बार स्प्रेड करके। और ये काम हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें एक साइज़ का एक कोई कप या कटोरी ले लेनी है। मैंने यहाँ पे 1/4 साइज़ वाला कप ले लिया है, और अब हमें सारे जो पैनकेक्स हैं वो
सेम कप से बना के तैयार करने हैं, यानी कि हम हर बार बैटर सेम कप में लेंगे और इसको सिर्फ इस तरीके से जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ पैन में हमें डाल देना है, और हमें इसकी कोई शेप नहीं देनी, कोई कुछ नहीं करना, ये अपने आप ही अपनी शेप होल्ड कर लेगा। थोड़ी सी देर के लिए इसको ढक देना है। अभी क्योंकि ये पहला पैनकेक है तो इसको बनाने में कम से कम 1 मिनट का टाइम लग सकता है। यहाँ पे गैस जो है वो बिल्कुल सिम रखनी है, ज़रा सी भी तेज नहीं करनी है, और आप देखेंगे कि 1 मिनट होने से पहले ही आपका एक बार में रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको पलट के देख लेती हूँ। आप देखेंगे कि इस पर ऊपर थोड़े थोड़े से बबल्स आने लग गए हैं और ये नीचे से ड्राई हो गया होगा। अब आप इसे पास से देखिए, ये थोड़ा ऊपर से आपको ड्राई दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसको फ्लिप कर लेते हैं बहुत ही एक स्पैचुला की हेल्प से। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा इसमें कलर आया है, और ये सिर्फ 1 मिनट लगा, और दूसरी साइड से सिकने में मुश्किल से इसको 30 सेकेंड का टाइम लगा, और ये दोनों साइड से होके तैयार हो गया है। तो इसको निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। अब इसी तरीके से हमें अपने सारे पैनकेक्स बना के तैयार कर लेने हैं। अच्छा, जैसे पहले वाले पैनकेक में मैंने बोला कि लगभग 1 मिनट का टाइम मुझे लग गया था एक साइड से सेकने में, इतना टाइम हमें आगे वाले पैनकेक्स में नहीं लगेगा क्योंकि अब हमारा जो पैन है वो ऑलरेडी गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर हमें मुश्किल से 35 to 40 seconds लगेंगे एक साइड से, और उसको फिर हम फ्लिप कर देंगे तो भी हमें मुश्किल से 15 to 20 seconds का टाइम देना है इसको। आप देख पा रहे होंगे इसको इतना अच्छा कलर इसमें आ रहा है, वो भी दोनों साइड से, और ये इस वजह से क्योंकि इसमें चीनी और शहद दोनों चीज़ें डली हुई हैं, तो इसी वजह से इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं बहुत जल्दी। अच्छा, इसको प्लेट में निकालते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि एक के ऊपर एक हम ना निकालें इनको, नहीं तो ये जो है ये एक दूसरे पर स्टिक होकर इनका कलर उतर जाएगा, मतलब ये इसकी एक पपड़ी सी उतर जाएगी। तो देखिए, इसी तरीके से मैं अपने सारे पैनकेक्स बना के तैयार कर लूँगी। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सारे के सारे पैनकेक्स में कितना कंसिस्टेंट कलर आ रहा है, सबका कलर एक जैसा आ रहा है और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हो रहे हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि अब जब इसको प्लेट में स्टोर कर रहे हैं तो भी हम इनको ढक के स्टोर करें, खुला नहीं रखें, नहीं तो ये टाइट हो जाएंगे। और ये देखिए, हमारे सारे पैनकेक्स बन के तैयार हो गए हैं, और ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल भी हार्डनेस नहीं है इसमें, और ये बहुत ही फ्लफ़ी भी बने हैं, जो मैं इसको आपको आगे भी चेक कराऊँगी। तो बताइए, है ना बिल्कुल आसान से पैनकेक्स की रेसिपी, और कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। ना इसमें अंडा है, ना इसमें वैसा कोई आर्टिफिशियल चीज़ डली हुई है, ना इसमें हमने अवन यूज़ किया है। अब इसको पैनकेक से डोरा केक्स में कन्वर्ट करने के लिए इसमें डालते हैं हम अपना कोई भी चॉकलेट बटर। ये चॉकलेट बटर मैंने खुद से बनाया हुआ है, ये आलमंड चॉकलेट बटर है, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अगर आप इस में चॉको बटर ना लगाना चाहें तो आप इसमें जैम्स भी लगा सकते हैं बीच में, आप इस पर हनी भी स्प्रेड करके दोनों को स्टिक करके दे सकते हैं, ये हर चीज़ के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, आप यहाँ पे चाहें तो इसमें ये जो चॉकलेट बटर मैं स्प्रेड कर रही हूँ इसी के साथ में कोई फ्रूट भी कट कर सकते हैं बीच में, जैसे कि बनाना या फिर एप्पल्स, और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट करेगा। बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या फिर उनको स्कूल में टिफ़िन देना हो, ये रेसिपी आपका दोनों काम करेगी, और बहुत ही आसानी से बनके भी तैयार हो जाती है, तो कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं लगेगा कि हम इसे कैसे बनाएं। तो देखिए, मैंने सारे डोरा केक्स बना के तैयार कर लिए हैं, और मेरे 1 कप मैदा से यहाँ पर मेरे 8 पैनकेक्स बने थे, जिससे मेरे 4 डोरा केक्स बन गए हैं। एक मेरा बेटा बीच में ही ले गया, उससे रुका ही नहीं जा रहा था। तो चलिए फिर इसको चेक कर लेते हैं कट करके कि हमारे डोरा केक एक्चुअली में फ्लफ़ी बने हैं या नहीं। वैसे तो ये देखिए, देख कर ही इसको बिल्कुल पता चल रहा है कि ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बने हुए हैं। ये देखिए, देखिए पास से आपको इसमें बहुत सारी जालियाँ दिखाई दे रही होंगी, और एकदम सॉफ्ट इसका टेक्सचर है, बहुत ही अमेजिंग से बनके बिल्कुल तैयार हुए हैं ये। देखिए, मैं आपको दोनों पीस दिखाती हूँ। इसको देखिए, इस तरीके से प्रेस करके देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी हमारे पैनकेक्स बने हैं ये। तो बनाइए इसको और करिए इंजॉय, और अपने बच्चों को दीजिए एक अमेजिंग सा सरप्राइज़, जिसको देने में आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत ना लगे। और आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।